एक ही तस्वीर में नजर आए बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के महानायक। इस तस्वीर को देखने के बाद आखिर क्यों ट्विटर पर ट्रेंड हुए बाहुबली स्टार प्रभास? वेल, क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखें फर्स्ट इंडिया फिल्मी की ये रिपोर्ट। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में रहेगा एक सवाल, जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक गिफ्ट हैम्पर। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारी खबर की तरफ। वेल, साउथ सुपरस्टार इन दिनों अपनी फिल्मों के चलते मीडिया लाइमलाइट में बने हुए हैं। बाहुबली, पुष्पा, ट्रिपल आर, केजीएफ चैप्टर 2 जैसी फिल्मों के चलते लोग अब बॉलीवुड से ज़्यादा साउथ की फिल्मों को देखने के लिए बेताब रहते हैं। ऐसे में इन फैंस के लिए मैं ये बता दूँ कि पैन इंडिया स्टार बन चुके प्रभास जल्द ही फिल्म सालार और प्रोजेक्ट के लेकर आ रहे हैं। इस वक्त जहां एक्टर प्रोजेक्ट के की शूटिंग में व्यस्त हैं, तो वहीं सालार के मेकर्स फिल्म की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच रविवार की रात दोनों ही फिल्म यानी सालार और प्रोजेक्ट के की टीम की मुलाकात हुई और दोनों ने मिलकर खूब मस्ती की। इतना ही नहीं, मुलाकात के दौरान जो तस्वीरें वायरल हुई हैं उसे देखने के बाद ट्विटर पर हैशटैग प्रभास और हैशटैग प्रोजेक्ट के ट्रेंड होने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तस्वीर में बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के महानायक दिख रहे हैं। आपको बता दें कि वैजयंती मूवीज, जो कि प्रोजेक्ट के को प्रोड्यूस कर रही है, उसने हाल ही में तेलुगु इंडस्ट्री में अपने 50 साल पूरे किए हैं। ऐसे में इस मौके पर प्रोडक्शन हाउस वैजयंती मूवीज ने हैदराबाद में एक नया ऑफिस का इनॉग्रेशन किया। हैदराबाद में आयोजित इस पार्टी में आप देख सकते हैं कि कई सेलेब्स दिख रहे हैं। इस तस्वीर में बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन, साउथ सुपरस्टार नानी, दुलकर सलमान और प्रभास एक साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उनके साथ केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील और के राघवेंद्र राव भी मौजूद दिखे। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन भी प्रभास के साथ फिल्म प्रोजेक्ट के में नजर आने वाले हैं, जिसकी शूटिंग में दोनों ही स्टार्स बिजी हैं। अब ऐसे में सालार और प्रोजेक्ट के की टीमों का ये मीट लोगों को काफी पसंद आ रहा है और वो पार्टी की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग प्रभास की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि प्रभास के चलते साउथ और नॉर्थ दोनों एक साथ एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं, तो कोई ये कह रहा है कि ऐसी तस्वीर देखना बहुत ही रेयर है। लोगों ने क्या कहा है उस पर आप भी डालें एक नज़र। आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं हमारा आज का सवाल। तो हमारा सवाल है कि अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में किस फिल्म से डेब्यू किया था? आप इस सवाल का जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दें और जीते एक गिफ्ट हैम्पर। अब बढ़ते हैं हमारी खबर की तरफ। आपको बता दें कि नाग अश्विन के डायरेक्शन में बन रही फिल्म प्रोजेक्ट के एक साइंस फिक्शन फिल्म है, जिसे तेलुगु और हिंदी में एक साथ शूट किया जा रहा है। इस फिल्म में प्रभास, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रभास की ये अपकमिंग फिल्म 500 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में बन रही है। ऐसे में प्रभास के फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वेल, इस तस्वीर को देखने के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग प्रभास की तारीफ कर रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है, हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हर एक लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड रहने के लिए फर्स्ट इंडिया फिल्मी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।